नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जन्नत रिलायंस डाउन उत्तराखंड से। आज हम लोग अपनी साइट पे आए थे। मेरे साथ मेरे क्लाइंट हैं जो राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं, मिस्टर पीयूष शर्मा जी। आज उनकी हमने लैंड की रजिस्ट्री करवाई है, तो चलिए एक बार हम उनसे मिलते हैं और उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको उन्होंने हमारे माउंटेन हेमलेट्स वाले प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट किया है। तो हेलो सर। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन, आज हमने आपकी अपने सेकेंड फेज में 100 गज के लैंड की रजिस्ट्री करवाई है। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, माउंटेन हेमलेट मेरे को पता चला था, मेरे को इनके किसी लिंक ने शेयर किया था जी, और उसके थ्रू फिर मैंने इनके यहाँ पे कॉल किया जी। मिस ज्योति ने मेरा को मतलब अच्छा रेस्पॉन्स दिया जी, और जो होता है ना कि एक कनेक्ट, वो इनकी टीम ने मेरे साथ पूरा बना के रखा एंटायर ड्यूरेक्शन में। और मेरे को पहाड़ों पर जमीन लेनी थी। बिल्कुल सर। और जिस तरह का इन्होंने प्रोजेक्ट मेरे को शो किया था वो मेरे को यहाँ पे मिल रहा था जी, तो मेरा कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग हो गया। मैंने दो बार विजिट करी, बुकिंग तो मैंने मतलब क्या कहते बिना देखे ही करा ली थी, क्योंकि मेरे को इनके कोऑर्डिनेशन अच्छा लगा, प्लस पहाड़ों में मेरे को जमीन लेनी थी जी। और उसके बाद में मतलब क्या कहते आया हूँ मैं, दो विजिट कर ली है। पहली विजिट में काम चल रहा था, अभी और काम चल रहा है। जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं वो एक न्यू स्ट्रक्चर अभी खड़ी हुई है, और आई होप कि बहुत जल्दी ये लोग मेरे को तैयार करके भी दे देंगे जी। एरिया, लैंड और व्यू बहुत ही शानदार है। द बेस्ट पार्ट इज कि जिस साइड में मेरा मकान है उस साइड में मेरे को पानी के झरने की आवाज़ भी आती है। बिल्कुल। सामने के व्यू और अगर आप पीछे की साइड में उधर देखेंगे तो एंटायर ग्रीन व्यू आपको मिलता है, वैली का पूरा आपको कवरेज मिलता है। जो स्ट्रक्चर मैं बनवा रहा हूँ उसमें एक पोर्च भी निकाल रखा है, तो उस पोर्च पे बैठ के आप शाम को घंटों ही टाइम पास कर सकोगे। बिल्कुल। ऐसा व्यू मिलेगा यहाँ पे आपको जी। साथ में मेरे को मतलब क्या कहते हैं, जैसा कि इन लोगों का प्लान भी है कि इसको मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड ऑल सब स्ट्रक्चर बनाएंगे, पार्किंग एरिया भी दे रहे हैं, और अगर कोई बनाना चाहे तो सेल्फ पार्किंग भी बना सकता है, अपने खुद के कॉटेज में भी पार्किंग बना सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सो फार जो अभी तक के कंस्ट्रक्शन है, कुछ में लोग एक घर तो मेरे ख्याल से कंप्लीट भी हो गया, उसमें कोई फैमिली रह भी रही है, और बाकी कई कॉटेजेस है तैयार जिनमें कभी जल्दी मेरे ख्याल से आप लोग हैंड ओवर करने वाले, या कुछ को हैंड ओवर कर दिया होगा आपने ऑलरेडी सर। बिल्कुल है ना, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड मजा आ गया। बिल्कुल। जैसे सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको रेफरेंस मिला था हमारा, कि हम लोग पहाड़ों में कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके साथ हमारा लिंक शेयर किया, और उस टाइम पे हमारा कोई ऑफर भी चल रहा था, तो डायरेक्ट हमारे एम्प्लॉय से आपने बात करके बुकिंग कर ली थी। तो ऐसा क्या कनेक्शन था, क्या ट्रस्ट फैक्टर था जो आपने हमारे साथ बुक किया बिना साइट देखे, बिना हमारे बारे में जाने? देखो, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी प्रॉपर्टी को लेते वक्त में जो गौर किया जाता है कि टीम कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है। Okay. क्या फैक्टर्स वो सामने रख रही है, जो साइट प्लान था जी, और फ्लेक्सिबिलिटी इन साइट प्लान कि कस्टमाइज्ड हाउस दे सकते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम में स्कीम भी चल रही थी, और बंदों से बात करके जो कॉन्फिडेंस आता है ना, ये आप मतलब किसी बंदे से बात करोगे तो उससे पता चलेगा कि यस दे आर ट्रस्टवर्दी जी, एंड यंग लोग टीम है। बिल्कुल। अपना सर। नाम कमाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो डेफिनेटली अपने को आपको डिफेम नहीं करेंगे इतनी अर्ली एज में, तो वो एक फैक्टर होता है जो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर सोचता है। बिल्कुल सर। मुझे उस फैक्टर पे ये लोग खड़े उतरे। विक्की जी मेरे लिए पहले भी आए थे पर्सनली कि मतलब अगर अगर यहाँ पे साइट विजिट हो रही है जी, नहीं तो यहाँ पे टीम थी जो मेरे को साइट का पूरा कवरेज करा सकती थी, बट अगले बंदा खुद आ रहा है यहाँ पे जी, तो वो एक एडिशनल फैक्टर था। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि अभी हमने आपकी 900 स्क्वायर फीट की लैंड की रजिस्ट्री कराई है, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे बनवाने का? आई गेस 1 BHK? 1 BHK है, पर प्लीज सर फ्यूचर प्लान भी बताइए। फ्यूचर प्लान तो ऐसा है कि अगर मतलब क्या कहते मेरे मुताबिक अगर बन के तैयार हो गया तो मैं बगल वाला प्लॉट भी एक्वायर करूंगा। बिल्कुल सर। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं सर, ऑलमोस्ट में एंड पे है, तो जो भी हम आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे वो बारिशों के बाद ही होगा। हाँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए जैन फेब तक आपका घर बना के हम डिलीवर कर देंगे। देखिए, पहाड़ों पे सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि जब मैं राजस्थान से यहाँ पे आ रहा हूँ जी,
तो नेचर के बीच में आ रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास में पूरा समय। क्वालिटी का मैंने पहला क्राइटेरिया इनके साथ रखा था जिसको ये फुलफिल करने के लिए डेस्परेट है, और जो मतलब क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर मेरे को बना के देंगे वो मेरे परिवार में सबको पसंद आई है, तो हम तो वो टाइम लें जितना टाइम लें और दोनों जैसा आप देख सकते हैं कि जो मेन रोड ऊपर आ रही है वो भी बिल्कुल उस पर भी काम चल रहा है, और आपको हमने दिखाया था स्कॉटेज पर काम कंप्लीट हो चुका है, काफी ज्यादा काम है, दो तीन महीने उस बात को रजिस्ट्री कराई अपने सेकंड फेज में, और बहुत ही जल्द हम सबके लोग NBHK बना के डिलीवर करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में काफी सारे घर हैं जो फर्स्ट फेज में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमने डिलीवर कर दिया है। ये हम आज जो स्ट्रक्चर में खड़े हैं ये भी डॉक्टर मधुमिता सिंह जी का है, जो हम मोस्ट प्रॉब्ली 15 जून तक उनको बना के डिलीवर कर देंगे। तो हम अपने सेकंड फेज की तरफ एंटर कर चुके हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि माउंटेन हैमलेट्स के साथ आगे बढ़ना, उनके साथ इन्वेस्ट करना, अपने लिए पहाड़ों में घर बनाना, तो हमसे कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पे और जल्द से जल्द आके अपने लिए साइट विजिट करें, या आप लोग जैसे ही पूछ जी ने डायरेक्ट बुक किया बुकिंग भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें।